हरियाणा में जो एजिटेशन चल रहा है उसकी वजह से मुनक नहर से जो पानी आता है दिल्ली के अंदर वो पानी बंद कर दिया गया है, और पिछले 2 दिन से परसों रात से पानी बंद है जो कि दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस क्रिएट हो गई है। एक तरफ हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से और हरियाणा सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो नहर का पानी दोबारा चालू करवाया जाए। कल भी हमने काफ़ी, मैंने खुद पर्सनली राजनाथ सिंह जी से और मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की थी, उनसे निवेदन किया था कि आर्मी को भेज के वहाँ पे पानी चालू करवाया जाए। वो अपनी कोशिशें कर रहे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अपने को दिल्ली के अंदर इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर तुरंत भी वो नहर का पानी चालू हो जाता है तो भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं सारे के सारे, उनको पानी को पहुंचने में और चालू कराने में 24 घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो इसको देखते हुए इस वक्त हमारी इमरजेंसी मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि अब पानी लगभग खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर, तो ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, अस्पताल और फायर ब्रिगेड, इनको छोड़ के बाकी जितना भी पानी है वो दिल्ली के लोगों में बराबर बराबर बांटा जाए। उस कटौती में मैं भी शामिल हूँ, और मेरी दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के उम्मीद अपील है कि पानी को बचा के रखें जितना ज़्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसी पानी में अपने को हो सकता है, अगर समाधान तुरंत भी निकल आए तो 1-2 दिन हो सकता है कि इसी पानी में अपने को गुजारा करना पड़े। इसी को देखते हुए कल स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। पानी काफी कम है, अभी पानी बहुत ज्यादा कम है, पानी आ ही नहीं रहा है वहां से, और कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो रिजर्वॉयर्स के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी लास्ट में बचा हुआ है वही अब टैंकर के